Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो मध्य एशिया में आने वाला एक बेहद ही गरीब देश है, जिस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों में देखने को मिलता है। लेकिन इस देश का वातावरण बेहद ही खुशनुमा और सुहावना होता है। यहाँ पर पूरे साल के 8 महीने सिर्फ बारिश ही देखने को मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है कैमरून। दोस्तों कैमरून को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कैमरून के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें कैमरून के कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी याउंडे है, लेकिन ये कैमरून का सबसे बड़ा शहर नहीं है। इसके लिए फिर आपको डुआला जाना होगा और यहाँ पर एक के बजाय दो दो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें पहला इंग्लिश और दूसरा फ्रेंच है, जिसके पश्चिम के दिशाओं में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व के दिशाओं में केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य और दक्षिण की दिशाओं में गिनी, गैबून और कांगो से मिलती है। वहीं कैमरून के भौगोलिक और सांस्कृतिक के कारण अफ्रीका इन मिनिएचर और द अफ्रीका हाइंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये देश 1 जनवरी साल 1960 ईस्वी में ब्रिटिश से आजादी हासिल करी थी और उसके बाद 20 सितंबर साल 1960 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। दोस्तों यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि साल 2010 की शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस बात की पुख्ता सबूत मिले थे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी की उत्पत्ति कैमरून के एक दक्षिणी पूर्वी इलाके से चिंपांजी बंदर से ये वायरस फैली थी। और आज के समय में इस देश में तकरीबन 4.7% आबादी एचआईवी जैसे बीमारी से संक्रमित है और साल 2014 में एचआईवी एड्स जैसे बीमारी के कारण कैमरून में लगभग 34,200 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार होने से पहले कैमरून देश का अधिकांश हिस्सा एक जर्मन उपनिवेश था और उस समय के दौरान इस देश को कैमरून के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की ये बात आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी कि इस देश में 10 लाख बच्चों में से 45,000 मासूम बच्चे एचआईवी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और ये बीमारी पूरे कैमरून के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। दोस्तों कैमरून में स्थित वाजा नेशनल पार्क इस देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्थलों में से एक है। यहाँ पर प्रत्येक साल पार्कों में जंगली जानवरों को देखने के लिए पूरे दुनिया भर के लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। इस पार्क में आपको शेर, दरियाई घोड़ा, बंदर, जिराफ, घोड़ा, हाथी जैसे बड़े बड़े अनेकों जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस देश के घने जंगलों में 1,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों की तितलियाँ देखने को मिलती है, जो पूरे अफ्रीका में पाए जाने वाली तितलियों का 1/4 हिस्सा है। यहाँ का सनागा रिवर पूरे कैमरून की सबसे लंबी नदी है और इस नदी में दो बड़े बिजली उत्पन्न करने वाले स्टेशन बनाई गई है, जिसे नदी के आसपास के शहरों में बिजली की आपूर्ति करी जाती है। दोस्तों अगर बात करें कैमरून के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो इस देश का पूरा क्षेत्रफल 4,75,442 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे विश्व भर में 53 स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही अगर बात करें इस देश के पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ की पूरी जनसंख्या लगभग 2,60,00,000 है और ये अपने पॉपुलेशन के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 51 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों कैमरून में रहने वाले अधिकांश आबादी ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले नागरिकों की औसतन आयु 59 साल की आंकी गई है। दोस्तों कैमरून में गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की है और अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +237 डायल करना होगा। और यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोगों का जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर करता है और कैमरून में लड़कों की आधिकारिक रूप से शादी करने की उम्र 18 साल की है और वहीं लड़कियों की शादी करने की उम्र 15 साल की रखी गई है। दोस्तों अगर बात करें कैमरून में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस कहा जाता है, जो एक सेंट्रल अफ्रीकन हमारे भारत देश में 0.13 रुपए के बराबर होती है। कैमरून के लोगों की साक्षरता दर 75% की है, यानी कि 100 लोगों में से मात्र 75 लोग ही पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों अगर आप इस देश के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आपको ये देश लंबी त्रिभुज की तरह दिखाई देगी और इस देश में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों में पेट्रोलियम, लोहा, बॉक्साइट, अयस्क, लकड़ी, जल, विद्युत जैसी चीजों का विशालकाय भंडार भी पाया जाता है। दोस्तों क्या आपको यहाँ का ये बात पता है कि साल 1990 ईस्वी में कैमरून देश फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंटर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। तो दोस्तों ये थी कैमरून से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा